हलवा सेरेमनी दशकों से बजट के साथ जुड़ी हुई एक परंपरा है। इस परंपरा में बजट की छपाई से पहले वित्त मंत्रालय में एक बड़ी सी कड़ाही में हलवे को बजट बनाने वाले अधिकारियों के साथ बांटा जाता है। खुद जो वित्त मंत्री होते हैं वो भी इस दौरान कड़ाही से हलवे को निकाल करके इसे सांकेतिक तौर पर मनाते हैं। इसी दिन से बजट प्रिंटिंग की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। इस दिन वित्त मंत्रालय में हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, ऐसी सिक्योरिटी जिसमें परिंदा भी पर ना मार सके। जी हाँ, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बजट की जो सीक्रेसी है उसे मेंटेन रखा जा सके। ये बजट बनाने वाले अधिकारियों के लॉक इन पीरियड की भी शुरुआत का दिन होता है। बजट की सुरक्षा और किसी भी तरह की जानकारी लीक ना हो सके, इसलिए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ कानून मंत्रालय, CBDT, CBIC और PIB के कुछ अधिकारी करीब 10 दिन तक नॉर्थ ब्लॉक में ही क्वारंटाइन में रहते हैं। इस दौरान वो ना तो घर जाते हैं और ना ही अपने सगे संबंधियों और परिवार वालों से कॉन्टेक्ट करते हैं। अगर इमरजेंसी में उन्हें परिवार या किसी से बात भी करनी पड़े तो उनकी कॉल पूरी तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो की निगरानी में होती है। ये सभी अधिकारी वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद ही नॉर्थ ब्लॉक से बाहर आते हैं, जो वित्त मंत्रालय का कार्यालय है। बजट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एक प्रेस भी मौजूद है। आपको बता दें, जिस कार्यकाल में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री थी उस समय एक बजट ऐसा भी था जब हलवा सेरेमनी जो है उसको रद्द कर दिया गया था। ये 2022 के बजट से पहले हुआ था। देश में कोरोना के जो मामले हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जिसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने उस साल हलवा सेरेमनी ना करके अधिकारियों के बीच सिर्फ जो मिठाई है वही बांटी थी। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now स्वदेश।